नमस्कार दोस्तों, मैं आज आपको सोलर स्ट्रीट लाइट्स और सोलर स्ट्रीट लाइट रिलेटेड एप्लीकेशंस के बारे में बता रहा हूं। आप यहां देख सकते हैं, एक मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग के सामने एक हाई मास्ट सोलर स्ट्रीट लाइट्स लगे हुए हैं। पहले स्ट्रीट लाइट्स जो होते थे वो लो हाइट के होते थे, कम हाइट के, 5 मीटर या 6 मीटर के, लेकिन आजकल 8-10 मीटर के सोलर स्ट्रीट लाइट्स मार्केट में आ गए हैं और इनके लाइट्स बहुत पावरफुल होते हैं। ये है उनके पोल्स जो 6 मीटर से 8 मीटर लंबे होते हैं, गैल्वनाइज्ड होते हैं। इनके साथ इसके ग्राउटिंग रॉड्स भी होते हैं। ये जो गैल्वनाइजेशन होता है ये 80 से 100 माइक्रोन गैल्वनाइजेशन होता है और इनको सेपरेटली दिया जाता है। सोलर कंपनी जनरली ये सब रॉड्स नहीं बेचते, इनको सेपरेटली ख़रीदना पड़ता है। यहाँ आप देख सकते हैं एक सोलर स्ट्रीट लाइट है जिसमें 2 लाइट है, 2 पैनल है और 2 बैटरी बॉक्स है। बैटरी बॉक्स जनरली ऊंचे हाइट पे लगाया जाता है ताकि बैटरी चोरी ना हो, और ये लॉकिंग सिस्टम में रहता है। लेकिन इसके बावजूद बैटरी चोरी हो जाती है क्योंकि बैटरी बॉक्स में जंग लग जाता है, और अब बैटरी चोरी होने के बाद मेंटेनेंस ना होने की वजह से कई बार सोलर स्ट्रीट लाइट बेकार हो जाते हैं। इसका एक सोल्यूशन ये है, ये एक ऑल इन वन सिंगल पीस सोलर स्ट्रीट लाइट आजकल मार्केट में काफ़ी आ गए हैं और ये बहुत पॉपुलर है जहाँ पे बिजली चोरी होती है। हालांकि ये थोड़ा महंगा होता है क्योंकि इसमें फ्लैट लिथियम आयरन बैटरी लगते हैं जो कि मोबाइल्स में लगते हैं। ऊपर की तरफ सोलर पैनल होता है, नीचे LED लाइट और अंदर बैटरी, और एल्युमिनियम केस में होता है। और कुछ कुछ मॉडल में तो इसका एंटी थेफ्ट अलार्म भी होता है। लेकिन इस सब के बावजूद अगर मेंटेनेंस ठीक ना हो तो ये सोलर स्ट्रीट लाइट कोई काम का नहीं है, क्योंकि जैसे आप देख रहे हैं ये एक म्यूनिसिपलिटी का लगाया हुआ सोलर स्ट्रीट लाइट है जिसको कोई मेंटेनेंस नहीं किया जा रहा है, टूट गया है। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम सोलर स्ट्रीट लाइट का ये होता है पब्लिक प्लेस में लगाने का कि एक बार लगाने के बाद उसको साफ़ करने के लिए कोई नहीं होता, क्योंकि ये पैनल्स बहुत ऊंचे हाइट पे होता है, वहाँ पे चढ़ के कौन साफ़ करेगा। एक एप्लीकेशन इसका ये है कि हाईवे पे जो बैनर्स होते हैं या बिलबोर्ड्स होते हैं उनमें लाइट देने का काम होता है। पहले ये सब जनरेटर, स्टैंडअलोन जनरेटर से होता था, लेकिन आजकल कई जगहों पे सोलर पैनल से और सोलर पावर से ये होता है। इसका फ़ायदा ये है, ये कहीं पे भी लगाए जा सकते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये एक छोटा सा 3 वाट का सिग्नल है, ट्रैफिक सिग्नल, जो कि बिल्कुल स्टैंडअलोन मोड पे चल सकता है और इसकी कोई मेंटेनेंस नहीं है। ये लगभग 2 साल ऐसे ही चल सकता है। ये लगाया गया है एक एनवायरनमेंट फ्रेंडली पार्क में। ये एक और एप्लीकेशन है जो कि सोलर कैमरा है जो सोलर पावर से चलता है हाईवे में ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए, और ये कैमरा वाईफाई से डाटा ट्रांसमिट करता है, वीडियो ट्रांसमिट करता है। ये एक और एप्लीकेशन है, ये है सोलर पावर्ड डिश टीवी, और डिश टीवी के कैमरे। और ये एक और चीज़ है, ये है स्टैंड अलोन गैस पंप स्टेशन जो IGL या इंद्रप्रस्थ गैस के जो हाईवे के अलोंग ट्रैफिक ये चलता है, उसको स्टैंड अलोन सोलर पावर से पावर दिया जा सकता है। ये सारे एप्लीकेशंस हैं जो स्ट्रीट लाइट और स्ट्रीट लाइट रिलेटेड एप्लीकेशंस हैं जो स्टैंड अलोन पे चलाया जा सकता है। सिर्फ इसकी रिक्वायरमेंट है कि ये मेंटेनेंस होता रहे। धन्यवाद दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को भी क्लिक करें ताकि आपको रेगुलर सोलर पावर और पावर सेविंग टिप्स मिलता रहे। धन्यवाद।